तो फाइनली गाइज यहाँ पर हम फ्लूइड यूएस को एक बैड एक्सपीरियंस को यहाँ पर हमारे साथ में हुआ है और उसका वीडियो अपना आई थिंक देख ही लिया होगा। तो इसको करते हैं हम डेटा को बाय फिर से, क्योंकि यार प्रॉब्लम ये था कि फ्लूइड यूएस बाय बूट अप नहीं हो रहा था। तो हम करते हैं इसको रीबूट और इसका डेटा को करते हैं बाय और उसी तरीके से सेम प्रोसेस। और पता नहीं उस ओएस के अंदर क्या प्रॉब्लम था, डेटा सिक्योरिटी पैच था लेकिन प्रॉब्लम तो काफ़ी थी। डेलवे कैसे डेटा सिस्टम वेंडर इंटरनेट को छोड़ देना है, क्योंकि मैंने GFCVR प्लस कर लिए थे लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ था। चलो करते हैं और भी ओएस हालांकि हमारे पास में है तो हम उनको करते हैं अपने फ़ोन में फ्लैश। तो चलते हैं करते हैं फ्लैशिंग शुरू। तो यहाँ पर ADM फोल्डर है यार, ADM के अंदर मैंने सारे यहाँ पर रखे हैं। और साइबेरिया ओएस एक नया ओएस है, अभी तक हमने इसको हालांकि फ्लैश तो नहीं किया है लेकिन चलो करते हैं इस बार फ्लैश और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है और मिलते हैं इसके बूटअप लोगों पर। तो गाइस फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहां पर तो फाइनली यहां पर हो चुका है कंप्लीट। इसको हमें GSY पता नहीं है और होगा तो भाई एडिटिंग में मैं आपको बता दूंगा। करते हैं रिबूट सिस्टम और देखते हैं साइबेरिया ओएस पर कैसा है और मैक्सिमम में क्या क्या कुछ देखने को मिलता है इस ओएस के अंदर। तो चलो चलते हैं बूटअप लोगों पर। तो ये है इसका बूटअप लोगो साइबेरिया ओएस का और ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है साइबेरिया के साथ में। तो देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर फीचर देखने को मिलते हैं, क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है और सारा डिटेलिंग फर्स्ट लुक वगैरह इसी में हम आपको बताएंगे। हालांकि शायद मैंने ऐसा याद आ रहा है कि मैंने साइबेरिया को इंस्टॉल किया है मैक्सिमम में, लेकिन चलो देखते हैं। और ये इसका भाई बूटअप हुआ कंप्लीट और ये हो चुका है कंप्लीट। तो GF से ज़रूरत पड़ने वाली है डेफिनेटली। थोड़ा सा ब्राइटनेस को करते हैं कम और चलते हैं अपने अबाउट फ़ोन के अंदर। और ये है साइबेरिया OS, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिलता है, यहाँ पर एंड्रॉयड 10 है लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच, ये भी काफ़ी पुराना है लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर चलते हैं हम कस्टमाइजेशन में। साइबेरिया सेटिंग है, सिस्टम है और सिस्टम में काफ़ी सारी आप देखते हैं अलग से सेटिंग देखने को मिल रही है हमें। और ये सेटिंग्स हमें अलग से देखने को मिल रही हैं, काफ़ी सारी हैं लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ अगर कुछ सेटिंग की तो पैनल है यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग, मतलब एज लाइटिंग वगैरह, स्टेटस बार, वोल्टी आइकॉन, जेस्टर्स, लॉक स्क्रीन, सारी फीचर देखने को मिल रहा है। बैटरी में चलते स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, मतलब कि कस्टमाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बस ऐसा है कि इसमें थोड़ा सिक्योरिटी पैच वगैरह, जेन पार्ट्स का सपोर्ट है, सिक्योरिटी पैच वगैरह इसमें पुराने देखने को मिलते हैं। तो भाई ये इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, हालांकि अब देखते हैं रिव्यू वीडियो का अगर अच्छा रहता है OS तो रिव्यू वीडियो तो डेफिनेटली मैं इसका दूंगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, हालांकि अभी तो मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है लेकिन यार इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देता है और देखते हैं कि अगर इसके अंदर हमें अच्छा देखने को मिलता है। और भाई अच्छा OS रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो भाई डेफिनेटली इसका रिव्यू वीडियो आएगा। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।